ये देखिए, ये कोलकाता एयरपोर्ट में ये इंडिगो का बस जा रही है। और बस इसलिए जाता है क्योंकि जैसे ये वाला सामने जो फ्लाइट खड़ी है, इसमें आप बोर्डिंग पॉइंट से डायरेक्टली आप चढ़ सकते हैं फ्लाइट में, जब तक एयर बस में। लेकिन अगर वो दूर खड़ा रहे तो क्या कहते हैं कि हम शायद फर्स्ट फ्लोर में है, हाँ फर्स्ट फ्लोर में है, तो ग्राउंड फ्लोर जो है, तो यहाँ पे जो दिख रहा है ग्राउंड फ्लोर, तो ये ग्राउंड फ्लोर में उतर के आपको बस ले जाती है फ्लाइट तक। तो वो आपको गेट नंबर से पता चलता है। आप देखिए, दोनों ही इंडिगो का फ्लाइट खड़ी है फिलहाल। इंडिगो तो काफ़ी, मतलब इंडियन मार्केट में काफ़ी उसका मतलब डोमिनेटिंग है। और ये इंडिगो का फ्लाइट देख लीजिए, यहाँ पे पायलट को पायलट कॉकपिट में बैठते हैं, और यहाँ पे दो सुंदर केबिन क्रू, मतलब बाहर से देखते हुए सुंदर। अब बिना मेकअप तो मैं कभी देखा नहीं, तो मैं बता नहीं सकता। तो बस यही, तो और दूर में जो दिख रहे हैं ना आप लोग, वो लगता है कि मतलब फ्लाइट का जो दरवाज़ा होता है काफ़ी ऊंचाई में होता है, इसलिए उसमें चढ़ने के लिए ये सब रहते हैं। तो नॉर्मली एयर एशिया में होता है वो किसके ऊपर होगा, वो आपका टर्मिनल के ऊपर डिपेंड करेगा, गेट नंबर के ऊपर। जैसे देखिए, एक प्लेन अभी अभी लैंड हुआ, ऐसे ही लैंडिंग टेकिंग ऑफ होते रहता है। जैसे यहाँ पे बस आई है, तो देख के लग रहा है कि यहाँ पे ये लोग मतलब जाएगा अभी। फ्लाइट अभी बीच में कभी कहीं पे खड़ी है, तो बस जा रही है। तो बस यही अच्छा नज़ारा लगता है। बहुत साल पहले हम आए थे कोलकाता एयरपोर्ट में, तब हम बच्चे थे, मतलब छोटे थे, मम्मी पापा के साथ आए थे। तो उस टाइम क्या हुआ था कि कुछ विजिटिंग पॉइंट होता था, पता नहीं अभी है कि नहीं, या है अभी तो कहाँ पे है। तो अगर आपका फ्लाइट का पास ना रहे तब भी आप, मतलब टिकट ना रहे तब भी आप वो उसका स्पेशल टिकट काट के बस देखने के लिए जा सकते हैं, ठीक है। क्योंकि अभी तक इंडिया में मतलब एक आम आदमी के लिए फ़्लाइट में चढ़ना उतना मुमकिन नहीं हो पाया फ़िलहाल। अभी लास्ट 1 ईयर में तो फ़्लाइट का टिकट और भी बढ़ गया है, तो लगभग दुगना हो गया है। तो उसमें सब के लिए चढ़ना पॉसिबल नहीं होता है, क्योंकि इंडिया वैसा कंट्री नहीं है। लेकिन क्या करते हैं, जैसे मान लीजिए साल में 1-2 बार घर आ रहे हैं, तो उसमें हो जाता है आम आदमी के लिए। तो बस यही है, जैसे देख रहे हैं आप, यहाँ फ्लाइट जो है यहाँ से आपका पैसेंजर से एंट्री कर रहा है, और यहाँ से देखिए ये डायरेक्टली आपका कनेक्टेड है। क्या वो जो पायलट्स को पायलट्स है, शायद वहाँ तक डायरेक्टली ये जा रही है। और नीचे वो जो ट्रक खड़ी है ना ग्रीन कलर का, उसके जस्ट उस साइड में ब्लू कलर का कुछ खड़े है, उसमें लगेज लोडिंग हो रहा है। पैसेंजर्स का लगेज लोडिंग होता है, वो कुछ ऐसा दिखता है। ये देखिए, ये जो लाल कलर का है और एक आदमी बैठे हैं ना, कुछ वैसे होता है। वो ऑटोमेटिक वो रोलिंग मशीन होता है, मतलब उसमें क्या होता है कि वो ट्रॉली वगैरह कुछ भी हो ऑटोमेटिकली आपका चला जाता है। और आपका, हाँ जो मैं बता रहा था, लगेज के साथ साथ कुछ और भी जैसे मैं देखा हूँ जाता है, जैसे आपका हो गया कुछ पार्सल वगैरह, पता नहीं, मतलब कुछ बॉक्स वगैरह भी जाते हैं, तो हो सकता है कुछ कमर्शियल या डोमेस्टिक पार्सल वगैरह जाता है। क्योंकि फ्लाइट दिखने में छोटा लगता है, जब हम छोटे थे तब हम भी बढ़ गए, और
फ्लाइट भी सामने से देख रहे हैं, तो हम भी बड़े हो गए। और फ्लाइट तो बड़े हुए नहीं, लेकिन हम रिलेटिव जो पोजीशन था हमारा, मतलब क्या बोले, रिलेटिव व्यू, वो बढ़ गया। पहले छोटा था, अभी वो बढ़ गया। ये व्हील चेयर है, आप अगर व्हील चेयर का एक्सेस चाहते हैं तो भी वो दे देता, ठीक है। आई थिंक फ्री ऑफ कॉस्ट, बिकॉज ये एक पैसेंजर के लिए उनका जिम्मेदारी होता है। और ये जो देख रहे हैं ना, ये मशीन अभी बंद है, इसलिए इसके सामने खड़े होके आप फ़ोटो खींच सकते हैं, लेकिन नॉर्मली इसके सामने खड़ा होना मतलब सिक्योर नहीं है, क्योंकि अगर इंजन चला दे तो हवा को इतना जोर खींचता है कि वो आदमियों को भी अंदर खींच लेता है। एक पायलट का शायद मौत हो गया था कुछ साल पहले, ऐसा खबर में आता है, ऐसे करके शायद खड़े थे और अचानक से पायलट या को पायलट ऐसे करके कुछ स्टाफ वगैरह होंगे तो, और पायलट को पता नहीं था, वो ऑन कर दिया था इंजन, तो मतलब इंजन ऑन कर दिया था तो उसे सबको पता नहीं रहता है ना, तो इसलिए नॉर्मल आम आदमी को नॉर्मली नहीं खड़ा करता है उधर। और शायद अभी पायलट इंजन ऑन करता भी है तो शायद सिग्नलिंग से ही ऑन करता है। जैसे उधर दूर में देखिए एक फ्लाइट है, वो टेक ऑफ के लिए तैयार हो रहा है, देख रहे हैं। और ये गो फर्स्ट का फ्लाइट है जो आज तक मैंने चढ़ा नहीं। और देखिए ये जो एयरबस है ना, इसका खुद का कितना पावर है, मतलब इसके सामने एक अलग से गाड़ी है जो कि इसको सही पोजीशन में ले रहा है, लेके आ रहा है। ये देखिए लैंडिंग हो रहा है पीछे, वो शायद विस्तारा का होगा, हाँ विस्तारा का है। तो होता क्या है कि उस ये उसको सामने से मतलब अपना प्रॉपर पोजीशन में लाता है ताकि